फ्रेंड्स, वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी कैन यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर्स एंड ऑल्सो फाइंड आउट वेदर द गिवन टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स और नॉट। एंड वॉट डू मीन बाई को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन वन। And it doesn't mean कि दोनों नंबर जो होना चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए। दे कैन बी कम्पोजिट नंबर ऑल्सो। लाइक अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 4 और 9। सो 4 और 9 दोनों कम्पोजिट नंबर है, बट उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन। दोनों एक ही नंबर से डिविजिबल होते हैं क्या? कोई भी टेबल में जा रहे हैं क्या? नहीं, अदर देन वन। दैट मीन्स उनके बीच में जो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ वन है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। अब जैसे मैं 5 और 7 की बात करूँ, अगेन उन दोनों में हाइएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो वन है, वन के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। इसका मतलब कि मुझे क्या करना है? मुझे HCF फाइंड आउट करना है गिवन टू नंबर्स का। और अगर HCF 1 आता है इसका मतलब दे आर को प्राइम नंबर्स। अगर 1 नहीं आता, 1 के अलावा कुछ और आता है, जैसे 5 आ गया, 10 आ गया, 33 आ गया, 34 आ गया, 93 आ गया, कुछ भी आ गया, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो है इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ दैट हाउ टू फाइंड आउट द HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं दैट हाउ टू फाइंड आउट HCF ऑफ गिवन टू नंबर्स। यहाँ पर भी हम वही सेम चीज़ करने वाले, क्योंकि अगर मुझे को प्राइम बताना है तो मुझे HCF फाइंड आउट करना होगा। सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में एक्चुअली हम क्या करते हैं? नॉर्मल जो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं तो उसमें बाद में हम क्या लिखते हैं? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो ये दोनों नंबर्स जो है वो फॉर्मेट में हम लिखते जाते हैं जब तक हमको रिमाइंडर जीरो नहीं आता है। रिमाइंडर जीरो आ गया मतलब वो टोटली डिविजिबल हो गया। तो वहाँ पर हमको जब डिवाइजर जो आता है लास्ट में वो उसका HCF होता है। वो प्रोसेस हम यहाँ पर देखते हैं। अब जैसे जब हम डिवाइड करते तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर हम A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर ये फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ए जो है वो ग्रेटर नंबर है, बी जो है स्मॉलर नंबर जिसको हम डिवाइजर लेते हैं, और ये डिविडेंड है, क्यू इज द क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। और ये प्रोसेस हम तब तक करते जाते हैं जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ 231 एंड 396, तो इसमें ग्रेटर 396 है, तो इसको मैं एज अ डिवाइजर लूंगा, दैट इज ए, सॉरी डिविडेंड लूंगा, दैट इज इक्वल टू डिवाइजर 231 होगा, 231 इनटू क्वेश्चन। अब यहाँ पर 231 मुझे 396 चाहिए या उससे स्मॉलर वैल्यू चाहिए। अब 231 इनटू अगर मैं 2 करता हूँ तो 200 भी होता तो 400 के ऊपर चले जाएगा, इसका मतलब मैं इनटू 1 करूँगा, तो व्हाट आई विल गेट? 231। सो 396 माइनस 231, सो 6 माइनस 1 विल बी 5, ये हो जाएगा 6, 3 माइनस 165। नाउ रिमाइंडर इज 165, रिमाइंडर 0 नहीं आया। इसका मतलब हमको अभी आगे भी ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। नाउ अब क्या करेंगे? अब मैं जो ये डिवाइजर है और ये जो रिमाइंडर है, अब इन दोनों में से मैं नंबर चूज करूंगा, तो जो ग्रेटर होगा उसको डिविडेंड लूंगा और जो स्मॉलर होगा वो डिवाइजर होगा। तो स्मॉलर हमेशा वो रिमाइंडर ही आएगा। सो यहाँ पर 231 इक्वल टू 165, ये हमारा डिवाइजर होगा, ये डिविडेंड इनटू, नाउ वी वांट 231 और स्मॉलर देन 231। तो अगर 165 इनटू 2 कर दो तो 300 से ज़्यादा हो जाता है, सो इनटू अगेन 1 करना पड़ेगा। सो नाउ 165 एंड 231, तो अगर हम माइनस करेंगे 231 माइनस 165 तो 1 माइनस 5 तो दैट इज 11 हो जाएगा, तो ये हो गया 6 एंड ये यहाँ से 1 सो 2 हो गया, तो 12 माइनस 6 इज 66। सो रिमाइंडर क्या आ गया? 66। नाउ रिमाइंडर 6, अगेन अभी भी हमको रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अगेन विल टेक दिस एज अ डिविडेंड, क्योंकि ये ग्रेटर है एंड ये स्मॉलर डिवाइजर। सो 165 इज इक्वल टू 66 इनटू, अब मुझे क्या मल्टीप्लाई करें? सो आई विल गेट 165 और स्मॉलर देन 165। सो 66 इनटू अगर मैं 2 करता हूँ या 3 करूँगा तो ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि 60 इनटू 3 भी करता हूँ तो 180 हो जाता, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, इनटू हमको 2 करना पड़ेगा। सो 66 इनटू 2 इज 132। सो 132
और अभी यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो 132 तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा 33. ओके नाउ अगेन ये डिवाइड इसको डिविडेड लेंगे इसको डिवाइजर सो 66 इज इक्वल टू अभी 33 इंटू क्या करेंगे तो 66 आएगा यस इधर डायरेक्टली इंटू 2 करेंगे तो 66 आ जाएगा प्लस रिमाइंडर क्या आ गया जीरो आ गया. अब रिमाइंडर यहाँ क्या आया हमको जीरो आ गया. अब रिमाइंडर जीरो आ गया मतलब यहाँ कंप्लीट डिवीजन हो गया है. तो जहाँ पर रिमाइंडर जीरो आता है उस टाइम पे हमने जो डिवाइजर लिया हुआ है दैट इज योर एच सी एफ ऑफ गिवन टू नंबर्स. तो एच सी एफ ऑफ 231 एंड 396 इज 33. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द एच सी एफ ऑफ गिवन टू नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम. सो ये हमारा एच सी एफ हो गया यहाँ क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ गया. इसको मैं ज्योमेट्रिकल वे से भी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा एक उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला. तो ये एच सी एफ क्यू हमने लास्ट में ये एच सी एफ क्यू इसको बोला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बट अब यहाँ अगर देखेंगे इसको रिवर्स प्रोसेस में अगर आप जाते हैं तो ये जो डिवाइजर आया ना अगर आप देखेंगे 33 तो ये सारे नंबर्स को यहाँ डिवाइड करेगा. जिस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए अब देखो 33 जो है 66 को डिवाइड कर रहा है 33 को डिवाइड करेगा 66 को कर ही रहा है 33 जो है वो 165 को भी डिवाइड करेगा 33 जो है वो 66 को कर रहा है 165 को भी कर रहा है और 33 जो है 231 को भी डिवाइड करेगा 33 जो है 165 231 इवन 396 को भी डिवाइड करेगा. सो ये जो 33 है इसका मतलब 396 को भी डिवाइड कर रहा है और 231 को भी डिवाइड कर रहा है. सो दैट इज़ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. तो यहाँ पर जिस अगर आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए तो ये जो लास्ट में हमको डिवाइजर मिलता है वो सारे यहाँ पर डिविडेंड और जो रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है ये क्वेश्चन को छोड़ के सबको क्या करेगा वो डिवाइड करेगा. सो दैट इज़ योर एच सी एफ. तो ये आ गया एच सी एफ. नाउ एच सी एफ 33 है तो मैंने बताया अभी हमको बताना है वेदर दे आर को प्राइम नंबर्स और नॉट. तो हमने अभी डिस्कस किया को प्राइम नंबर्स में एच सी एफ क्या होता है 1 होता है. बट यहाँ पर तो हमको 33 आ रहा है इसका मतलब दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स. ओके सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते अब पॉज करके ये चाहिए तो आपको लिखना है तो लिख सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड सम. तो यहाँ पर देखिए 2160 एंड 847. तो 2160 ग्रेटर है तो अगेन विल राइट इन द फॉर्मेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. नाउ ए जो है यहाँ पर हम क्या लेंगे जो ग्रेटर नंबर है दैट इज 2160. बी जो है दैट इज स्मॉलर नंबर दैट इज 847 दैट इज योर डिवाइजर. नाउ अब 847 अब मुझे क्या चाहिए 2160 तो आइदर आई गेट 2160 या उससे स्मॉलर चाहिए. तो अब यहाँ पर अगर मैं 800 भी पकड़ता हूँ तो 800 इंटू 3 भी करता हूँ तो इट विल बी 2400 सो ग्रेटर हो जाएगा. इसका मतलब हम 2 से करते तो इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 2 तो अगर 800 इंटू 2 इज 1600 एंड 47 इंटू 2 इज 94 तो 1600 और 94 को ऐड करेंगे दैट इज 1694. सो ये आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देन 2160 में से हम क्या कर देंगे माइनस. तो अगर यहाँ देखेंगे तो ये 6 हो जाएगा यहाँ 15 हो जाएगा तो इट विल बी 6 एंड यहाँ से 1 कैरी हो गया. हाँ 1 यहाँ कैरी हुआ तो इट विल बी 0 दैट विल बी 4 एंड यहाँ से 1 सो इट विल बी 466. सो ये कितना आ जाएगा 466 विल बी द रिमाइंडर. सो हमको रिमाइंडर क्या आ गया 466. नाउ रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता तो हमको ये सेम प्रोसेस करना है. नाउ 847 और 466 तो 847 इज ग्रेटर सो विल टेक दिस एज अ डिविडेंड. डिवाइजर विल बी 466 इंटू अब 466 इंटू अगर मैं 2 करता हूँ सो इट विल बी ग्रेटर क्योंकि 400 इंटू 2 800 हो जाता है और 66 इंटू 2 करेंगे तो 132 हो जाता है तो दैट विल बी 932 हो जाएगा. सो दैट विल बी ग्रेटर. हमको क्या चाहिए 847 तो इंटू 1 कर देंगे प्लस अब रिमाइंडर. तो रिमाइंडर देखो 7 माइनस 466 आएगा तो 7 माइनस 6 इज 1 देन 4 माइनस 6 सो
ये हो जाएगा 14, इसको ये ले लेंगे तो 14 माइनस 6 दैट इज 8, एंड यहाँ से 1 कैरी हो गया, सॉरी यहाँ पर हमने, तो 7 हो जाएगा, 7 माइनस 4 दैट इज 3, सो 381, सो रिमाइंडर क्या आ गया, 381. नाउ अगेन रिमाइंडर इज नॉट जीरो, सो अभी इसको मैं एज अ डिवाइजर डिविडेंड लेता हूँ, डिवाइजर इज 381. अगेन 2 लेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, दैट विल बी 600 से ज़्यादा 700 में आ जाएगा, सो इन टू 1 करेंगे, सो प्लस अगेन रिमाइंडर, तो 381, 466 माइनस 381 अगर आप देखें 6 माइनस 1 दैट इज विल बी 5, एंड 6 तो माइनस 8 तो 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 लेंगे तो ये आ जाएगा 8, 16 माइनस 8 एंड ये 3 हो जाएगा, तो इट विल बी 85, रिमाइंडर इज 85. अगेन रिमाइंडर इज नॉट 0, सो 381 इक्वल्स टू, इसको हम एज अ डिवाइजर लेंगे, इन टू, नाउ 85 इन टू, अगर मैं 3 लेता हूँ तो 18 इंटू 3 240 हो जाता है, दैट इज स्मॉलर. अगर 4 लेता हूँ तो 18 इंटू 4 अगर मैं लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 320 के आसपास आएगा, यस आसपास वैल्यू. अगर 5 लेता हूँ तो 400 के ऊपर हो जाएगा, तो मैं कौन सा वैल्यू लूँगा, इंटू 4 ले लेता हूँ. तो इंटू 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 2 कैरी 34, सो 340 हो जाएगा, इट विल बी 340, सो 340 आ गया. नाउ 381 माइनस 340 इज 41 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 41. नाउ नेक्स्ट अगेन 85 एंड 41, सो 85 इज ग्रेटर, सो 85 41 इन टू 2 करते हैं, तो अगर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, 82, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, रिमाइंडर इज 3. नाउ 41 इज ग्रेटर, सो अगेन 41 इक्वल्स टू 3 इंटू, नाउ 41 चाहिए तो 3 इंटू 10 30 हो गया, इंटू 12 36 होता है, 39, और 41 50 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, सो 14 भी लेंगे तो भी बड़ा हो जाएगा, सो 13 लेंगे दैट इज 39, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया. नाउ अगेन 3 एंड 2 में, सो 3 इज ग्रेटर, सो 2 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1, सो अगेन 2 इज ग्रेटर, सो 2 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया, 0. सो एट द एंड वी आर गेटिंग रिमाइंडर एज 0. तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो उस टाइम में हमने डिवाइजर क्या लिया है, 1. तो डिवाइजर जो है वो लास्ट में जो डिवाइजर होता है वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. इसका मतलब ये दोनों नंबर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. सो दोनों नंबर का जो HCF है दैट इज 1, एंड वी नो दैट अगर ये HCF है तो इट विल गोइंग टू डिवाइड ऑल द नंबर, एंड वी नो दैट 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द HCF ऑफ गिवन टू नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिदम, एंड ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट वेदर द गिवन टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स और नॉट. अगर आपको ये सेशन में कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. सो हम कमिंग डेज में मैं और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊँगा जो 8, 9, 10 स्टैंडर्ड को काफ़ी यूजफुल होगा. होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू.